यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, सत्य घटना 53। राजपुताना यानी कि आज के राजस्थान के किसी गाँव में कुम्हार जाति के कूबा जी नाम के भगवान के भक्त रहते थे। वे अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी अपना जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कूबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दोनों कामों में उनकी रुचि थी। उनका एक सुंदर सा नाम था केवल राम। उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं संसार का भी उद्धार किया था। वे साधु संतों की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार कूबा जी के गांव में 200 साधु पधारे। किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया, सबने कूबा जी का नाम बताया। सारे संत उनके घर में आ पधारे। उन्होंने सभी का प्रेम से स्वागत सत्कार किया, लेकिन उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, इसलिए वे कर्ज लेने के लिए घर से निकले, लेकिन किसी महाजन ने उन्हें कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर उन्होंने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन कराया। संतों की सेवा के लिए कुआं खोदने का काम भी प्रसन्नता से मान लिया। अब साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय वे तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया यह जानकर महाजन को और कूबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर नीचे गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। उसी रात कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात में उन्होंने कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब वहां जो जाता जमीन में कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ते। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। जब लोग केवल राम जी के पास पहुंचे तो उनको भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करते हुए सुना। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सामने हाथ में करताल लिए कूबा जी कीर्तन करते, आंखों से आंसुओं की धारा बहाते, तन मन की सुधी भूले नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कूबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभगवत की चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई। कूबा जी घर आए। दूर दूर से लोग अब कूबा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। उनकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति उनको भेंट की और दीन दुखियों को बांटी। श्री कूबा जी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संतों और दीनों की सेवा का ही आदेश उपदेश देते। यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संतों की सेवा करो। आज के लिए इतना ही। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। मित्रों, हम जल्दी ही आएंगे भक्त और भगवान से जुड़ी किसी दूसरी सत्य घटना को लेकर। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। जय श्री कृष्णा।